discernment the cruelty of sin and the penalty that it caused to rid sin from our lives was delivered by Brother William Marion Branham on Good Friday evening, April 3, 1953, at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. ये सुसमाचार हमारे भाई विलियम मेरियन ब्रनहम के द्वारा गुड फ्राइडे की सांझ अप्रैल 3, 1953 में प्रचारित किया गया, जिसका हिंदी शीर्षक पाप की क्रूरता और उसके दंड का मूल्य कि हमारे जीवन पाप से मुक्त हों है, और अंग्रेजी शीर्षक द क्रूएलिटी ऑफ सिन एंड द पेनल्टी दैट इट कॉस्ट टू रिड सिन फ्रॉम आवर लाइफ है। धन्यवाद भाई थॉम। क्या आप वो छोटी चीज सारे संस्करण को जो आपके पास है देंगे? यदि आप दें, मैं यहाँ आज रात्रि आते हुए पूरी रीति से बाहर ही आ गया था, मुझे जुकाम हो गया। और मैंने यहाँ आने का वचन दिया था, और मैंने भाई नेविल से कहा था कि भाई कॉक्स को लेकर आए और उन्हें बता दें। मैंने कहा भाई नेविल को बता दो कि आगे जाकर सभा ले लें, क्योंकि मेरा गला बहुत खरखरा रहा है, मैं चीं की आवाज भी नहीं निकाल सकता हूँ। और उन्होंने कहा वापस आइए, और कहा भाई बिल अच्छा हो कि आप आए, मैं विश्वास करता हूँ कि ये अच्छी बात होगी। इसलिए मैं हमेशा किसी भी प्रकार की कोशिश करना चाहता हूँ। यदि एक मैं वास्तव में गला बहुत खराब है कि आपको प्रचार करूं, परंतु मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात करूंगा यहाँ इस छोटी सी जुगत की सहायता से। हर बार जब मैं इंडियाना में आता हूँ, मेरा गला खराब हो जाता है, मैं नहीं जानता क्यों, परंतु हर बार होता है, ठंड लग जाती है। ये यहाँ इतना नीचा है, मैं यहाँ आ जाता और ये ऐसा लगता है कि मैं इससे अलग नहीं हो सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा लगता है कि कैसे भी आएगा, परंतु मैं हमेशा अच्छा करना चाहता हूँ अपने इस सारे यत्न से जो मुझे करना है। इसलिए इस प्रकार से मैंने सदा करने का प्रयत्न किया, सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं, परमेश्वर उसी का आदर आशा करता है, मुझे क्षमा करें, यही सब वो आशा करता है। अब मैं आशा करता हूँ कि हमारा प्रभु आप सबको आशीष देगा और आपको इस सारी सभा से होते हुए महान आशीष देगा इस शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सभाएं आज रात्रि, कल रात्रि चलेंगी, क्या ऐसा ही है भाई नेविल? कल रात्रि तक जाएंगी। मुझे यहाँ पर आना था और तब यहाँ से छोड़कर और जाना था, और लूजविले के मिशनरियों के झुंड को संबोधित करना था। मैं सोचता हूँ कि या तो ये 17 या 27 राष्ट्र इस मिशनरी सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कल रात्रि वे वहाँ मुझसे कुछ मिनटों के लिए चाहते थे, रविवार प्रातः को।
ये क्या है भाई? आप अपना हाथ उस पर रखें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में इसी समय प्रार्थना मांगते हैं कि आज रात तेरा अनुग्रह हम पर हो हमारे भाई को चंगा करने से। वो व्यक्ति जो वहाँ बैठा है इस समय बहुत बीमार लगता है। आपने कहा अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। और आज रात्रि मैं इन लोगों के साथ प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में कि आप हमारे भाई को इस समय चंगा करेंगे। जैसे कि हमारा भाई अपने हाथों को उस पर रखे खड़ा है, वो हमारे प्रभु यीशु के हाथ का प्रतिनिधित्व कर रहा है और हम मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं और मसीह के नाम में इन्हें तेरे पास भेजते हैं ताकि हमारा भाई इस बीमारी से जल्द अच्छा हो जाए जो उसे है। आमीन। भाई प्रभु आपको आशीष दे। आप सब उसे थोड़ी हवा करें, वो एक प्रकार से वहाँ पर दब सा गया, क्यों उसे थोड़ा बाहर जाने दें। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं श्रीमान, क्यों थोड़ा सा आगे जाएं और भवन के पीछे की ओर वहाँ कुर्सी पर बैठ जाएं जहाँ थोड़ी सी हवा मिले। अब प्रभु यीशु हमारी सारी परेशानियां जानता है, वो हमारा बोझ उठाने वाला है। और अब रविवार प्रातः जल्द ही 6 बजे सूर्य उदय की सभा होगी। कितने ईस्टर पर प्रभात वाली सभा चाहते हैं? हम एक महान आशीष की आशा कर रहे हैं। इसलिए तब यदि प्रभु ने चाहा मैं प्रभात की सभाएं लूंगा ये 6 से 7 बजे तक। तब नाश्ते के लिए अपने घर वापस जाएं कि लौटें और 9:30 बजे पर नियमित संडे स्कूल सभा भाई नेविल यहाँ पर होंगे। और संडे स्कूल की सभा के तुरंत बाद मुझे बपतिस्मे की सभाएं लेनी है, वे जिनका बपतिस्मा होना है ईस्टर रविवार प्रातः में। यदि आपका डूब का बपतिस्मा नहीं हुआ है और ऐसी इच्छा है और आप मसीही हैं और यीशु मसीह के परमेश्वरत्व पर कि वो परमेश्वर का पुत्र है विश्वास करते हैं और अपना लेना चाहते हैं, अपना स्थान हमारी संगति में लेना चाहते हैं बपतिस्मा लेकर, जो हम यहाँ ईस्टर की प्रातः आपके साथ आनंदित होंगे लगभग 10:30 जल में डूबने के लिए। अपने कपड़े ले आए यदि आपके पास नहीं है सही में, क्यों विशेषकर महिलाएं यहाँ उनके पास कपड़े हैं महिलाओं के लिए विभिन्न मापों में,
मैं नहीं सोचता कि उनके पास अभी सारे पुरुषों के लिए हैं। परंतु हम आपको ईस्टर प्रातः में अपने साथ पाकर आनंदित होंगे। तब रविवार दोपहर बाद एक दफन करने की सभा है। कोई जो यहाँ गांव में रहता था बाहर की ओर या यहीं कहीं से, जो मैं विश्वास करता हूँ उसका यहाँ कुछ समय पहले भाई नेविल के प्रचार के द्वारा मत परिवर्तन हुआ। मैं विश्वास करता हूँ कि उसका नाम ईस्ट या कुछ और था। उन्होंने मुझे अंत्येष्टि गृह से फोन किया, कहा कि मैं और भाई नेविल और हमारा एक झुंड वहाँ आकर और गाय और दोपहर 2 बजे सभा ले वहाँ मोटाज अंत्येष्टि गृह। मुझे महिला ईस्ट का कोई सुन नहीं है। यास्ट या ईस्ट, मैं समझता हूँ कि आज रात्रि आप में से बहुतों ने अखबार में देखा है। हाँ, एडना जस्टिस, आप उन्हें जानते होंगे, संभवतः वो युवा महिला थी। क्या थी? क्या ये ठीक बात है बहन? एक युवा महिला, मैं विश्वास करता हूँ वे, उसकी माँ मुझे बुला रही थी और बताया कि उसने 2 या 3 छोटे बालक पीछे छोड़े हैं। वास्तव में ये बहुत ही बुरा है। मरणहार जीवन, इसकी ये बुराई दिखाई पड़ती है, क्या नहीं? परंतु उसमें, यदि वो मसीह यीशु में थी तो आज रात्रि ये बहुत ही अच्छा है किसी भी व्यक्ति से जो इस भवन में बैठा है। वो केवल मृत्यु की छाया की घाटी में से होकर निकल गई। सारे मरणहारों को जाना है और एक दिन आपको और मुझको भी वहाँ से यात्रा करनी है, परंतु हमें अकेले में यर्दन पार नहीं करनी, क्योंकि वो हमारा बचाने वाला है। इसलिए हम यदि आप मोटाज अंत्येष्टि गृह पर आना चाहते हैं, जो कि मेपल स्ट्रीट और वॉलनट के बीच स्थित है, और नहीं, मैं विश्वास करता हूँ ये लोकस्ट और वॉल स्ट्रीट के बीच में है। जब आप दक्षिण को जाते हैं तो सीधे हाथ की ओर है। मैं नहीं जानता कि उनका कहाँ, उसका नंबर क्या है, 221। ये जहाँ ओल्ड स्कॉट और कॉम अंत्येष्टि ग्रह हुआ करता था जब मैं युवा था, और ये रविवार दोपहर बाद और 2 बजे। और तब रविवार सांझ को नियमित ईस्टर सभा यहाँ फिर होगी। संभवतः हम मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान प्रचारेंगे रविवार रात्रि सभा। और हम नहीं जानते कि आने वाले सप्ताह में प्रभु हमारे लिए क्या करने जा रहा है। या तो सभाएं निरंतर रहेंगी या आने वाले सप्ताह के लिए क्या होता है। We trust that you'll all be here Sunday at 10:00.
हम विश्वास करते हैं कि आप सब यहाँ रविवार को होंगे, जो हो सकता है। मैं यहाँ आसपास बहुत से प्रचारकों को पहचान रहा हूँ। किसी ने मुझे बताया कि भाई फुलर यहाँ पर थे, ये हुआ करता था, यानी हमारी सभाओं में आते हैं। क्या वो व्यक्ति यहाँ है भाई फुलर? क्या आप ही वो व्यक्ति हैं जो मुझे न्यूयॉर्क ले जाया करते थे, जगह जगह सभाओं में जाया करते थे? भाई फुलर, आपको देखकर प्रसन्नता हुई, प्रभु आपको आशीष दे। और एक और सेवक को मैं यहाँ देखता हूँ, वो भाई थॉम नहीं जानते, मैं उस लड़के का अंतिम नाम नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ कि वे उसे पहले वहाँ जूनियर पुकारते थे। जैक्सन, भाई जैक्सन, जूनियर जैक्सन, आखिर में अपना हाथ उठाएं, भाई जैक्सन, अपने साथ आपको पाकर हम प्रसन्न हैं। ये वहाँ नीचे एलिजाबेथ मेथोडिस्ट चर्च से हैं, वो कलिसिया वहाँ पर जहाँ मुझे जल्द ही वहाँ सेवा करनी है, प्रभु ने चाहा, इससे पहले कि हम बाहर वापस जाएं। अब भारत में महान बुलाहट है और हर चीज हर दिन गहराती जा रही है, मेरे लिए प्रार्थना करें। अब आज रात्रि ये गुड फ्राइडे है, ये वो रात्रि है जब हम मैं समझता हूँ कि यरूशलम में इस समय सूर्य ऊपर चमक रहा है, शनिवार प्रातः। परंतु सारे दिन लोग उस पुराने मार्ग पर चलते हैं जहां क्रूस उस उठाने वाले के लहू के पद चिन्हों पर घसीटी गई थी, आंसू अपने को प्राणों में पीड़ित करते और रोते हैं। बहुत से बड़े बड़े आराधनालय और आदि आज उस महान समय को मनाते हैं। यदि संसार को कभी कोई समय मनाना चाहिए तो वो अब है, इस संकट की घड़ी में। और मुझे अचरज है यदि हमारी बहन इस छोटे पुराने ऑर्गन को देख रही है, मुझे ऑर्गन अच्छा लगता है, मैं कुछ पुराने चलन का हूँ। यदि हम उस पर स्वर ले सकें, यीशु बस मुझे क्रूस के पास, बस उनमें से वो अच्छा पुराने हृदय वाले गीत हम इन्हें बहुत पहले गाया करते थे, और यदि हम सब इसे मिलकर गाएं, मैं ये पसंद करता हूँ। एक कीमती सोता सबके लिए मुफ्त चंगाई की धारा जो कैलवरी के पहाड़ से बहता है। कितने इसके पद को जानते हैं, जो भी हो ठीक है, आप सब अब मेरे साथ मिलें। और अब हम अपने चारों ओर पर्दा डाल लें और इस दोपहर बाद अपने विचारों को 1900 वर्ष पहले ले जाएं। क्या ही बलिदान है, we'll never know nothing like that.
संसार ने इसे कभी इस प्रकार से नहीं जाना, समन संसार को हिला दिया। और अब आप क्या उस स्थान के पास नहीं रहना चाहते जहाँ कि आप उसके साथ संगति और आशीषों में हैं? अब हम सब गाएं उसी पुराने तरीके से, अब जिस प्रकार से आप इसे गाएंगे यदि आप अपने ही तरीके से गाएं। ठीक है भाई थॉम, आप इसकी अगुवाई के लिए मेरी सहायता करें, क्या आप करेंगे? मेरे पास अब इतनी अधिक आवाज नहीं है और सब ठीक है। ठीक है, जबकि आप अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, यदि आप चाहें अब हम इसे धीरे धीरे गुनगुनाएं। मुझे आश्चर्य है यदि आप अब चाहेंगे, आपके लिए किसी ने ना किया। मुझे अचरज है यदि आप नहीं चाहेंगे, क्या अपने जीवन को मसीह के लिए पवित्र करना नहीं चाहेंगे? और प्रभु मुझे स्मरण रखें। मैं आपकी सराहना करता हूँ, थकन और वो पीड़ा, लहू बहता हुआ मेरे लिए मर रहा था, मैं अयोग्य परंतु अब मैं अपना हाथ ऊपर उठाने जा रहा हूँ प्रभु, और आप मुझे देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन फिर से समर्पित हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, प्रभु मैं इसी समय अपने आप को इस गुड फ्राइडे की रात्रि में फिर से समर्पित करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनको जिन्होंने अपने हाथ उठा रखे हैं आशीष देंगे,
और वे जिनके पास साहस नहीं है कि ये करें, हम प्रार्थना करते हैं वो सर्व परिपूर्ण आज रात्रि प्रत्येक को आशीषित करेगा। हम कैलवरी के लिए सोच रहे हैं, परमेश्वर हमारा बचाने वाला लज्जित किया गया, नीचे गिराया गया, धनी मनुष्य के हाथ में सौंपा गया, जिसने प्लातू से उसकी देह मांगी, उसे लेकर और उस स्वच्छ कपड़े में लपेटा और उसे कब्र में रखा। ओ परमेश्वर, उन बेचारे चेलों की क्या ही भावनाएं रही होंगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वे उस समय हार गए थे, जिस पर उन्होंने बहुत ही विश्वास किया था अब जा चुका था, परंतु अधिक समय के लिए नहीं, बस एक लहू बहता हुआ बलिदान, बस यही था। किसी दिन कुछ घंटों के पश्चात वो जी उठा और तब आनंद आ गया। प्रभु आज रात्रि हमारी सहायता कर, जैसे कि अब हम इस समय में हैं, होने पाए कि ये हम पर हो, ताकि हम वो दुख देखेंगे जो कि हमारे छुटकारे का दाम है, हमारी प्रसन्नता के लिए जो दुख भोगा गया। होने पाए कि हमारे प्राण आज रात्रि प्रभु हम अपने को तेरे लिए पवित्र करें और हमारे प्राण सामने देखें, देखकर दुखित हों और देखें कि क्या ओ परमेश्वर क्या ही भयानक मृत्यु, पाप कितना क्रूर। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप अब हमें एक साथ आशीषित करेंगे। ओ परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, जैसे कि तेरा दास बैठे हुए गले के साथ यहाँ खड़ा है और तेरे बालक तेरे वचन में से सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु मेरी सहायता कर और जीवन के वचन को प्रत्येक के लिए तोड़, जैसा कि हम अपने जीवनों को फिर से समर्पित करते हैं और अपने हृदयों को, हमारे हृदय के आंसू हमारे सीने की गहराई में चले जाएं, जब हम बलिदान के विषय में सोचें। अब हमारी सहायता कर, क्योंकि हम ये मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। यदि आप मेरी ओर अपना पूरा ध्यान दें तो मैं थोड़ी देर के लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ और मेरे लिए प्रार्थना करें। यशाया में 53वां अध्याय, आज संभवतः हमने रेडियो प्रसारण सुना है और आदि आदि। आज मैंने मसीह के विषय में सोचा, आज मैं कहीं बाहर नहीं जा सका और केवल घुटनों पर रहा। और मुझे बस रोना पड़ा जब मैंने ये सोचा, जब मेरे विचार पीछे गए कि कलवरी पर क्या घटित हुआ, देखें।
मैंने रेडियो का कोई कार्यक्रम नहीं सुना, परंतु संभवतः उन्होंने सुसमाचार से बाहर प्रचार किया और हो सकता है आने वाली रात्रि में हम इसे उसी विषय से लेंगे। परंतु आज रात्रि हम पीछे पुराने नियम में चलेंगे। मैं पाप की क्रूरता और उसके दंड का मूल्य कि हमारे जीवन पाप से मुक्त हों, इस पर बात करना चाहता हूँ। यशाया 53 में भविष्यद्वक्ता अभिषिक्त किया हुआ प्रभु के आगमन के 712 वर्ष पहले उसने ये वचन कहे, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में से फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुँह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुँह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगा कर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी
छल की बात ना निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यदि आज रात्रि मैं वचन का मूल पाठ लूं, तो मैं छठवां पद लूंगा। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मैं कुछ क्षणों के लिए बात करना चाहता हूँ। हम सदा प्रसन्न होते हैं जब प्रभु का आनंद हमारे मध्य में होता है, और मैं कैसे आपके साथ अधिकाई से आनंदित होता हूँ। परंतु क्या कभी आपने रुक कर ये सोचा कि इसे पाने का क्या मूल्य चुकाया गया? क्या आपने कभी अनुभव किया वो दाम जो इसके पीछे है? क्या न्याय था और पाप का दंड क्या था? पाप को कितना क्रूर होना चाहिए जब इसके कारण परमेश्वर का पुत्र कलवरी पर गया और परमेश्वर ने उसे मारा और उससे अपना मुख फेर लिया और उसे मारा और वो पीड़ित किया गया। देखिए वो कौन था। अब मैं आपसे बातें करते हुए मैं एक छोटा सा चित्र खींचना चाहता हूँ। आइए आज रात्रि एक छोटी सी यात्रा करें, एक छोटी सी नाव पर, और एक छोटा अंतरिक्ष यान या हवाई जहाज। आइए इससे पहले कि संसार था, 1 करोड़ वर्ष पीछे चलें, इससे पहले कि एक सितारा भी होता था, कोई भी चीज, और आप वहाँ अंतरिक्ष को छोड़ और कुछ नहीं देख सकते। और वो सारा अंतरिक्ष परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर था। और अब हम देखेंगे कि एक सफेद छोटी ज्योति अस्तित्व में आ रही है। हम इसे एक प्रभा मंडल के समान कहेंगे, और वो परमेश्वर का पुत्र था, वो शब्द जो परमेश्वर में से आरंभ में निकला। और तब कैसे वो वहाँ पर खड़ा था, और उसने अपने विचार में उसने सोचना आरंभ किया कि संसार क्या होगा, और ये सारा चित्र उसने अपने विचार में खींचा, और उसने कहा उजियाला हो जा। और एक परमाणु टूटा और आगे टूटना आरंभ हुआ, और वो पहला परमाणु हो गया, पहला परमाणु धमाका। और तब वे परमाणु जमा होना आरंभ हो गए, जब तक कि वे राख में ना बदल गए, नमी के समान, जो कभी ये था, टूटना आरंभ हो गया और परमाणु टूटे।
became a star, a piece of a missile flew off, went sailing through the air. और कुछ समय के पश्चात एक सितारा आया या टुकड़े एक अक्षेपणीय जो उड़ी और हवा में से निकलती चली गई। उसने देखा ये कुछ लाखों वर्ष के लिए है और तब उसे रोक दिया। उसे कोई जल्दी नहीं थी, उसके पास सदा से बहुत समय था, वो आरंभ से ही अंत में है, उसके साथ कोई समय नहीं था। और तब दूसरी उड़ने वाली उड़ी और उसने इसे इस मार्ग पर रोक दिया। वो क्या कर रहा था? वो अपनी पहली बाइबल लिख रहा है। पहली बाइबल जो कभी लिखी गई वो आकाश में राशि चक्र में लिखी गई। ये कन्या से आरंभ होती है। इसी प्रकार से वो पहली बार आया और ये सिंह राशि दूसरे आगमन से समाप्त होती है और वो अपनी पहली बाइबल लिख रहा है। दूसरी बाइबल जब लिखी गई तो वो हनोक के द्वारा लिखी गई और पिरामिड में लिखी। तीसरी बाइबल लिखी गई थी और अंतिम वाली ये वाली। परमेश्वर सदा चीजों को तीन में करता है। परमेश्वर तीन में सिद्ध है। वो सिद्ध है, मुझे क्षमा करें, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में सिद्ध है, वो न्यायोचितता पवित्रकरण और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में सिद्ध है, वो अपने तीन में सिद्ध हुआ। हम उसकी बनावट में हैं, इसलिए हम तीन में सिद्ध हुए, प्राण शरीर और आत्मा। और हमारा शरीर तंत्रिकाओं लोहू और कोशिकाओं देह से नियंत्रित है, सब तीन में सिद्ध हुए। तब उसने कहा जब उसने सब कुछ बना लिया इसके पहले कि उसने कुछ भी किया, मैं देख सकता हूँ कि ये प्रभा मंडल मंडरा रहा है इस संसार के ऊपर जो केवल एकमात्र राख जमी हुई एक बड़े हिम शिलाखंड के समान लटकी हुई थी। और उसने इसे सूर्य के समीप किया और उसने इसे इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर घुमाना आरंभ किया, ये पिघलने लगी और वो बड़ा हिमखंड टूटकर ढीला हो गया। टेक्सास बन गया और वहाँ के मैदान, जैसा कि हमें सिखाया गया है कि किस प्रकार से हिमखंड वहाँ से होते हुए नीचे आए, अच्छे कालक्रम वैज्ञानिक स्पष्ट कर सकते हैं। और तब समस्त संसार जब ये मेक्सिको की खाड़ी में बदल गया और आदि आदि पानी से भरना आरंभ हो गया और संसार निराकार और सुनसान था, अब हम उत्पत्ति एक में हैं, देखा। अब तब परमेश्वर ने आकाश को जल से अलग किया और उसने उजियाला बनाया और तब उसने अपनी सारी सृष्टि की सृष्टि की। All the trees come up, the plants and so forth. What a beautiful setup you have.
He loved it. It was beautiful. And he thought that was fine. तब उसके बनाने के बाद सारे पेड़ उगे और पौधे और आदि आदि और उसके पास क्या ही सुंदर ढांचा था। उसने इसे पसंद किया, ये सुंदर था और उसने सोचा बहुत ही अच्छा है। इसलिए वो इसे उस स्थिति में नहीं छोड़ सकता था, उसे उसके साथ किसी को छोड़ना था, इसलिए उसने कहा आओ हम बहुवचन मनुष्य बनाएं, बहुवचन अपनी ही समानता में, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। So then when God made his first man, he was a spirit man. He was something on the order of God, or the Son of God, the Logos. That was the first man. इसलिए तब जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया, वो आत्मिक मनुष्य था, वो कुछ परमेश्वर के समान था या परमेश्वर का पुत्र शब्द, वो पहला मनुष्य था। तब उसने उस मनुष्य को अधिकार कि पशु जीवन की अगुवाई करे, जैसे पवित्र आत्मा आज विश्वासी का मार्गदर्शन करता है, यहाँ जाओ ये करो। अब यदि हम पवित्र आत्मा के पूर्ण समर्पण में होते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, जैसे कि आदम ने पशुओं का उस दिन मार्गदर्शन किया था। इसलिए उसने उन्हें बनाया और तब जब उसने किया वो विचार में चलने लगा, बजाय इसके वो मनुष्य जो उसने भूमि की मिट्टी से बनाया। वहाँ भूमि जोतने के लिए कोई मनुष्य नहीं था, कोई भी शारीरिक जीव, कोई काम करने के लिए नहीं था, इसलिए उसने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। अब यहाँ जहाँ कि मैं सोचता हूँ कि एक वनस्पति शास्त्री या विज्ञान और मसीहत एक दूसरे से नहीं टकराते, क्योंकि विज्ञान कहता है मनुष्य भिन्न प्रकार के जीवन से आया है और हम कहते हैं जब आप यहाँ मनुष्य को देखते हैं वो परमेश्वर की समानता में है। ये है कि आरंभ से वो परमेश्वर की समानता में न था, ये तो पशु के जीवन की समानता में है। और वो और विकासवादी तर्क करते हैं कि हम जिस प्रकार से विकास के क्रम में वे विश्वास करते हैं, मैं नहीं करता, सब एक कोशिका से आए हैं, परंतु हम विश्वास करते हैं निश्चय ही हमारा विकास हुआ है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से। परंतु जब परमेश्वर ने वो सब जो बनाया और लिया मनुष्य को उसमें डाला, उसे भूमि की मिट्टी से रचा, अब अपनी समानता में नहीं, वो मनुष्य को पहले ही बना चुका है। तब उसने उसमें जीवन का श्वास फूका और वो एक जीवित प्राणी हो गया, इसलिए मनुष्य का प्राण आत्मा का स्वभाव है। अब जब आप फिर से जन्म लेते हैं आप नई आत्मा नहीं पाते, आप उस आत्मा का नया स्वभाव पाते हैं,
ये वही आत्मा है परंतु उसका नया स्वभाव। आप दो मनुष्य लें, उन्हें साथ साथ खड़ा कर दें, दोनों एक से दिखते हैं और उनमें से एक पापी और दूसरा मसीही है। एक मनुष्य कहता है मेरे पास वैसी ही आत्मा है जैसी आपके पास, देखा, परंतु उनमें से एक भिन्न है, उसका प्राण, उसका स्वभाव भिन्न है, वो बदल गया है। इस प्रकार तब उसने इस मनुष्य में सांस फूका। अब मैं नहीं जानता कि उसने उसे कैसे बनाया। उसने पांच चेतनाएं रखी ताकि वो अपने संसारी घर से संबंध रख सके और देख चख अनुभव सूंघ और सुन सके। और उसने इसे इसी प्रकार बनाया। अब ये इंद्रियां परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए नहीं है। उसकी इंद्रिय परमेश्वर से संबंध बनाने वाली उसकी आत्मा है, उसके प्राण को। जो प्राण पाप करे वो प्राण मरेगा। अब मैं अधिक लंबे मार्ग पर जा रहा हूँ कि कुछ लूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप हर विषय को समझ रहे हैं, इसलिए आप सही सही देख सकते हैं कि परमेश्वर को कैलवरी पर क्या करना था। और जब ये मनुष्य, तब जब उसने इसे उसकी पांच इंद्रियों के अंदर डाला, और तब वो मनुष्य अकेला था, इसलिए उसने उसके लिए एक पत्नी, एक सहायक बनाई, उसकी बाजू की पसली से लिया और एक स्त्री को बनाया। एक सुंदर प्रतीक है, सब प्रतीक है परमेश्वर का, मसीह की पसली से दुल्हन। समझे, परमेश्वर ने आदम की पसली खोली, एक पसली निकाली जो पुरुष की एक पसली स्त्री से कम है शारीरिक रचना में। और अब परमेश्वर ने मसीह की पसली खोली उस कैलवरी पर और दुल्हन को निकाला। कलीसिया मसीह के लहू के द्वारा मसीह की देह में आती है। ऐसे ही हम आते हैं और किसी दूसरे मार्ग से नहीं। कोई मतलब नहीं कि आप कैसी कलीसिया से संबंधित हैं, आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं और आप कितनी अच्छी महिला हैं। आपको परमेश्वर के सर्व संपूर्ण बलिदान को स्वीकार करना है, उसका दिया गया मार्ग, या फिर आप नष्ट हैं। ये ठीक बात है। केवल यही एक मार्ग है जिसके द्वारा आप अंदर आ सकते हैं। अब केवल एक ही मार्ग है और वही द्वार है। यीशु ने प्रसिद्ध दृष्टांत सिखाया जब वो इस पृथ्वी पर था। उसने कहा, विवाह का भोज किया गया और हर मनुष्य को एक वस्त्र दिया गया, और वहाँ एक मनुष्य को बिना उस पोशाक के पाया गया। उसने कहा, मित्र तू कौन है, बिना पोशाक पाए तू यहाँ कैसे आया? अब पुरानी रीति ये थी कि जब दूल्हा हर व्यक्ति को निमंत्रण देता था, वो उसने निमंत्रण दिया, यदि उसने 50 लोगों को निमंत्रण दिया है तो उसके पास 50 पोशाकें होती थी। And he stood somewhere at the door, and every time a man came in rich or poor, he put the robe on.
Then no one knew when he was rich or poor, he all looked the same under a robe. और वो कहीं द्वार पर खड़ा हुआ और हर बार एक व्यक्ति अंदर आता, निर्धन या धनवान, वो उसको पोशाक पहनाता। तब कोई नहीं जानता कि वो निर्धन या धनी है, वे सब उस वस्त्र में एक से दिखाई पड़ते। और आज इसी प्रकार से परमेश्वर करता है, वो पवित्र आत्मा देता है जो कि एक प्रतीक है, हर व्यक्ति जिसे वो निमंत्रण देता है, हम सब एक से हैं। ना कि ये वाला उससे थोड़ा अच्छा है और वो उससे थोड़ा ऊंचा है, हम सब परमेश्वर की दृष्टि में एक समान हैं, हर कोई जो विवाह के भोज में आमंत्रित है। तब जब वो आया, उसने एक मनुष्य को पाया। अब वहाँ भीतर आने के लिए केवल एक ही द्वार है, क्योंकि वहीं पर पोशाकें दी गई थीं। और उसने भोज की मेज पर एक मनुष्य को देखा जो बिना पोशाक के था। उसने कहा, मित्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने क्यों नहीं वस्त्र पहना? और वो मनुष्य कुछ नहीं बोला, वो खिड़की से आया, किसी और मार्ग से, वो द्वार से नहीं आया। हर वो व्यक्ति जो मसीह के द्वारा मसीह की देह में आता है, पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, वो पोशाक। वो ठीक वहाँ पर खड़ा है कि आपको पहना है, जैसे ही आप भीतर आते हैं। देखिए, उसने यही प्रतिज्ञा की है और वो यही करता है। अब वहाँ पीछे आरंभ में अदन वाटिका में, तब उसने उसके लिए पत्नी बनाई या एक सहायक। अब आप कभी कभी पत्रिकाओं में कुछ चित्रकारों के चित्र को देखते हैं। अब ये बहुत ही बेकार प्रेरणा है। यदि आपने हवा को इस प्रकार के चिपके हुए बालों के साथ देखा होगा, ओ कितनी भयानक दिखने वाली चीज, और कहते हैं कि वो हमारी माँ थी, क्यों संसार में उसकी प्रशंसा कोई नहीं कर सकता था। मैं विश्वास करता हूँ कि हवा इस पृथ्वी पर की सुंदरतम महिला थी, ये ठीक बात है। जब आदम ने उसे देखा, वो बस क्यों, ये दर्शाता है कि ये धब्बा आज मनुष्य जाति के द्वारा आया है, यदि नहीं था तो ये उल्टा होता। इस प्रकार आदम ने उसे अपनी पत्नी करके लिया, और जब पाप अंदर आया, और मेरा अपना विचार है कि वो क्या था, मैं उसे कलीसिया में प्रकट नहीं करता जब तक कि ये किसी प्रकार का शिक्षा का स्थान ना हो कि पाप आरंभ में क्या था, परंतु ये जो भी है, जब ये किया गया तो इसने उन्हें परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया। अब यहाँ वो चित्र है जो मैं लेना चाहता हूँ। अब जब परमेश्वर ने अनुभव किया, या किसी स्वर्गदूत या किसी जीवन ने जो आया और परमेश्वर को बताया कि तेरा पुत्र नष्ट हो गया, उसने पाप किया, वो गिर गया।
अब मनुष्य के दाग को देखें। पहली चीज कि अपने धर्म को स्वयं बनाता है। एक मनुष्य उसके पास एक प्रकार का धर्म होता है। उस दिन मैं नगर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति से बातें कर रहा था। कहा, भाई ब्रैनम, आप मेरा धर्म जानते हैं, सुनहरे आज्ञा का पालन करना। ये अच्छा है, परंतु भाई जब तक मनुष्य फिर से जन्म ना ले वो नष्ट हो जाएगा। हाँ, उसे लेना ही है, उसे नया जन्म लेना ही है। अब सुनहरी आज्ञा अच्छी है, वो एक सभ्य मनुष्य कर सकता है, परंतु इसे तो अलौकिक व्यवस्था में होना है। और आप देखेंगे परमेश्वर को उस व्यवस्था के अंतर्गत क्या करना था कि हम अलौकिकता में जन्म ले सकें। अब जब उन्होंने पाप किया, उसने स्वयं एक धर्म, धर्म शब्द का अर्थ है ओट, ये कुछ जिससे ढके। ये कोट मेरे लिए एक नैतिक आड़ है, क्योंकि ये मुझे ढांके है और आपके कपड़े भी उसी प्रकार हैं, और ये एक आड़ है। अब ध्यान दें, तब जब आदम उसकी अंजीर की पत्तियां तब तक ठीक थीं जब तक परमेश्वर के सामने नहीं आया, परंतु जब उसे परमेश्वर के सामने आना पड़ा तो उसने अनुभव किया कि उसके अंजीर के पत्ते बेकार हैं। और अब मित्र, आप सोच सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप हो सकते हैं, ये ठीक बात है। परंतु जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, यदि आपने परमेश्वर द्वारा दिया गया बलिदान अपने लिए स्वीकार नहीं किया है तो आप नष्ट हैं, और आप ये जान जाएंगे। मैं उनके पास खड़ा हुआ, उन्हें मरते हुए देखा। देखिए डॉक्टर उनकी बाहों में अल्प लगाता है, उन्हें शांत रखे और उन्हें चिल्लाते हुए सुनता है और करता जाता है, कहता है ओ वे अपने आपे में नहीं है। मैंने कहा, डॉक्टर कृपया इसे बाहर रखिए एक मिनट तक के लिए, समझे। और आप उन्हें सुन सकते हैं जब वे सोचते हैं कि आप ठीक हैं। एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। और हर मनुष्य जो कि उत्पन्न नहीं हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो उस विनाश के मार्ग पर जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपका अपना प्राण आपका मार्गदर्शन करेगा। यदि आपने नया जन्म पाया है तो आप ऊपर जाने के लिए बाध्य हैं। यदि आपने नया जन्म नहीं पाया है तो आपको नीचे ही जाना है, बस आपका प्राण ये करेगा। जैसे कि एक जादू की छड़ी, ये आपके लिए कहीं द्वार खोलेगी। यदि आपके पास छड़ी नहीं है तो द्वार नहीं खुलेगा।
और यदि आपने नया जन्म नहीं पाया है तो आप केवल अपने ही आप अस्वीकार किए हुए हैं, बस यही है। और तब जब मैंने उन्हें वहाँ देखा, तब जब वे बाहर निकल कर आए और परमेश्वर जानता था कि वे उसके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे, और वो जान गया। और वे छिप रहे थे, कुछ झाड़ियों के पीछे छिप रहे थे जबकि ढके हुए थे, परंतु वे जान गए कि उनकी आड़ पर्याप्त नहीं थी। और प्रत्येक पुरुष या महिला जो आराधनालय जाते हैं, आज जब आराधनालयों के घंटे बज रहे थे तो मैं सोच रहा था, घंटे बजते हुए मृत्यु की सूचना दे रहे थे और आदि आदि इस प्रकार से, और लोग आराधनालय की ओर जा रहे थे और तैयार हो रहे थे, और महिलाएं अपने ईस्टर के टोप खरीद रही थीं और आदि आदि। ये क्या आया है प्रभु? कैसे? मैं नहीं समझ सकता, जबकि खरगोश को पुनरुत्थान से कोई लेना देना नहीं। देखिए, नहीं श्रीमान, क्रिसमस ट्री यानी मोर पंखी के वृक्ष का मसीह के जन्म से क्या मतलब? मित्रों, ये पागान है, हम कहीं मार्ग पर से हट गए हैं, ये ठीक बात है। परंतु अब एक वास्तविक नया जन्म पाया हुआ पुरुष या महिला अनुभव करता है, क्योंकि आप में जीवन है, आपको बताता है कि ये गलत है। क्या ये ठीक बात है? अब ध्यान दें, आदम और हवा, ओ प्रभु, जब मैं इस पर सोचता हूँ तो अपने जुखाम के विचार को भूल जाता हूँ कि मुझे कभी कुछ था। जब मैं पीछे के लिए सोचता हूँ कि आरंभ में ध्यान दें, आप लहू के विषय में बात करते हैं। अभी अधिक समय नहीं हुआ जबकि वे मेथोडिस्ट की एक बड़ी सभा में स्पष्ट कर रहे थे, मेथोडिस्ट की गाने की पुस्तक से लहू वाले गाने हटा रहे थे। कहा ये कोई कसाई खाने का धर्म नहीं है। कहा हम नहीं, हम कुछ अच्छा और आदर युक्त चाहते हैं। भाई, परमेश्वर इसी रीति से ग्रहण नहीं करता। या तो ये, जब मैं लहू को देखूंगा तो तुम्हें छोड़ जाऊंगा। लहू परमेश्वर केवल एक ही स्थानापन्न है, वो केवल जीवन लहू में होता है। इसलिए आप मांस खा सकते हैं, परंतु लहू जो है, जो कि जीवन है, उसे भूमि पर गिरा दें। देखिए, जीवन को ना खाएं। देखिए कितना सुंदर है, मैं इसके लिए कैसे सोचता हूँ। So,
And before I can bring you out, I'm going to have to do something. तब परमेश्वर ने सोचा, आदम और हवा, अब यहाँ बाहर निकल कर आओ, और इसके पहले मैं तुम्हें निकालूं, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। So he goes over on the hillside and gets the sheep, killing, pull the skin off of him, let him die. इसलिए वो वहाँ पहाड़ की ओर गया, एक भेड़ ली, उसे मारा, उसकी खाल उस पर से उतारी, उसे मरने दिया। Because God has to keep His word, no matter how good a man you are, how good a woman you are, what you are, is God to keep His word. क्योंकि परमेश्वर को अपना वचन पूरा करना है, इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने अच्छे पुरुष और आप कितनी अच्छी महिला हैं, जो कि आप हैं, ये परमेश्वर को अपना वचन पूरा करना है। That's the reason the Virgin Mary had to go up to the day of Pentecost and receive the baptism of the Holy Ghost just like the rest of them did, because she was born here as a mortal and had to be born again before she could go to heaven. Amen. यही कारण है कि कुंवारी मरियम को भी पेंतेकोस्त के दिन जाना पड़ा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया, जैसे कि उन सब बाकियों ने किया, क्योंकि वो यहाँ एक मरणहार के समान जन्मी थी और इसके पहले कि वो स्वर्ग को जाए उसे फिर से जन्म लेना था। आमीन। अब देखिए महिला, मैं आपको बताऊं, इसलिए क्योंकि समय बदल गया है, परमेश्वर नहीं बदला। आप किसी भी कमी के साथ आते हैं तो आप नाश हैं, समझे? अब मैं उसी आधार पर बोल रहा हूँ जो परमेश्वर ने 1900 वर्षों पहले आज कैलवरी पर किया था, आपको दिखाने के लिए कि इसके मूल्य को चुकाने के लिए कौन सा बलिदान करना था। ये परमेश्वर की विधि थी। अब ऐसा मार्ग है जो ठीक लगता है, परंतु परमेश्वर का दिया गया मार्ग है। If you always go and God provide for you, you'll never go wrong. यदि आप सदा परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर जाएंगे, आप कभी भी गलत नहीं जाएंगे। Like if you start to go to Indianapolis or across the bridge, you say, well, here, is that Louisville there? Yes, you just take that across this way. You'll be caught up pretty soon. Amen. That's right. जैसे कि आप यदि इंडियानापोलिस जाएं या पुल के पार और आप कहते हैं अच्छा यहाँ इधर की ओर लूजविले है, हाँ, और इधर से सीधा रास्ता लें, आप जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। ये ठीक बात है। अच्छा हो कि आप खाका लें, नक्शा, उसका अध्ययन करें और देखें कि आप किस ओर जा रहे हैं। और तब यहाँ परमेश्वर का नक्शा, महिमा को, इसका अध्ययन करें। यही है, ये चारों ओर लहू से छिड़का हुआ है, आप मार्ग को खो नहीं सकते यदि आप लहू का अनुसरण करें। आमीन। अब आप देख सकते हैं, समझे, लहू के साथ बने रहें और आप ठीक होंगे, क्योंकि वहाँ लहू वाले पद चिन्ह मार्ग के प्रत्येक कदम पर हैं। अब ध्यान दें पीछे कैसे परमेश्वर ने, इसके पहले कि वो इसे कर सकता, वो खड़ा हो सकता है, या यहाँ तक कि वे इसे लेने के लिए खड़े हो सकते हैं, वो उन्हें तब ही मार डालता, उसे मारना ही था, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपने वचन को पूरा करना है। उसने कहा जिस दिन तुम इसे खाओगे उस दिन मर जाओगे, ये सदा के लिए तय हो गया। You said with the sheep, brother Brad, I believe it.
He was the lamb that was slain from the foundation of the world. तब मैं उसे पीछे देख सकता हूँ जब उसने इस भेड़ को मारा। आप कहते हैं भाई ब्रणम क्या वे भेड़ थे? मैं इसका विश्वास करता हूँ। वो मेमना था जो पृथ्वी के रचने से पहले मारा गया। And it was the sheepskin taken, thrown back in the bushes, and told them to wrap up in these and cut off and receive. और वो भेड़ की खाल थी, लेकर उन्हें झाड़ियों के पीछे फेंक दिया और उन्हें बताया, इसमें लिपट जाओ, इसे लेने के लिए बाहर आओ। And I could see as he pulled these old bloody flapping skins around. और मैं देख सकता हूँ आदम और हवा इन लहू लुहान फड़कती हुई खालों को अपने चारों ओर लपेटते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक प्रिय सुंदर देह उन दो सिद्ध मनुष्य जाति की अब लहू लुहान भेड़ की खालों में लिपटी हुई है? Because you listen to your wife instead of me, then I'll come down to dust and dust your return. मैं उन्हें वहाँ खड़ा हुआ देख सकता हूँ। परमेश्वर ने कहा, आदम, क्योंकि तूने बजाय मेरे अपनी पत्नी की सुनी, मैंने तुझे भूमि की मिट्टी से निकाला था और तू मिट्टी में मिल जाएगा। Me, because you listen to the servant instead of me, while you brought life, took life out of the world, you have to bring life into the world. I'll multiply your sorrows, and your desire shall be to your husband, and so forth. और हवा, तूने बजाय मेरे, तूने सर्प की सुनी, क्यों? तू जीवन लाई, संसार से जीवन लिया, तुझे संसार में जीवन लाना होगा, मैं तेरे दुख को बढ़ाऊंगा, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और आदि आदि। और तब उसने कहा, सर्प, क्योंकि तूने ये किया है, चला गया। He was a reptile. He was a beast. Walked up forth, shuttling all the beasts of the field. There they record, that's the वो रेंगने वाला नहीं था, वो एक पशु था, चला गया। मैदान के सब पशुओं में धूर्त। इस अभिलेख में मेरी सहलो, ये वचन है। Walked up like a man, and he had deceived her. मनुष्य के समान चला गया और उसने स्त्री को बहकाया। और उसने कहा, और क्योंकि तूने ये किया है, तेरे पैर निकल जाएं और तू अपने सारे जीवन पेट के बल चलेगा और तू मिट्टी चाटेगा। और तभी वो वहाँ थे, न्याय, परमेश्वर को अपना न्याय बनाए रखना था, क्योंकि उसने ये कहा था, और वो परमेश्वर था, वो इससे वापस नहीं फिर सकता था, उसे इस पर स्थिर रहना था। परमेश्वर बना रहने के लिए परमेश्वर को अपने वचन पर स्थिर रहना था, ये ठीक बात है। So there, I can imagine seeing that poor little Eve when she looked at him, her long blonde hair hanging down her back. इसलिए वहाँ मैं हवा की कल्पना कर सकता हूँ। वे बेचारी हवा जब उसने आदम की ओर देखा, उसके सुनहरे लंबे बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे। Those big, bright blue eyes that looked like the skies where God had made them, the tears pouring down. Mixing with the blood on the garments and flapping down around her body, he. वे बड़ी चमकदार नीली आँखें जो आकाश सी दिखी, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था, आंसू बह रहे थे, वस्त्रों के लहू में मिल रहे थे, और उसके शरीर के चारों ओर फड़क रही थी। Adam with his strong body, leaning over on his bosom, there the tears mingling, falling. आदम ने अपने मजबूत शरीर से उसे पकड़ा और अपने सीने की ओर झुका लिया और वहाँ आंसू मिलकर गिर रहे थे, जैसे ही वो भेड़ की खाल पर से होते हुए बह रहे थे,
लहू नीचे टपक रहा था, चारों ओर लहू ही लहू। वहाँ अब वो कहता है तुम्हें मेरी उपस्थिति से चले जाना होगा। और मैं आदम और हवा को देख सकता हूँ कि अपने हाथ एक दूसरे में डाले इस प्रकार से बाहर जा रहे हैं। वे भेड़ की खालें उनके पैरों में टकरा रही हैं, लहू लुहान उनके पैरों में टकरा रही हैं। तब मैं सारे अंतरिक्ष को देख सकता हूँ जो परमेश्वर था। परमेश्वर के कोई दिन आरंभ नहीं होते, वर्ष समाप्त नहीं होते, वो सदा से सदा है। मैं देख सकता हूँ कि सारा महान अंतरिक्ष इस प्रकार सिमटने लगा, इस प्रकार कीट के आकार में आ गया और वो सीधा नीचे आया। जैसे ही उसने उस जेड़े को अदन की वाटिका में से जाते देखा, लहू लुहान खाले उनके पैरों से टकरा रही थी। वो इस पर खड़ा नहीं रह सका और ये भीतर उतर गया। ओ, ये इसके ठीक परमेश्वर के हृदय में उतर गया। अक्षर विन्यास LOVE प्रेम, परमेश्वर ने इतना प्रेम किया। वो उन्हें जाते हुए ना देख सका। उसने उन्हें पुकार कर कहा, मैं तुम्हारे और शैतान के वंश के मध्य में बैर उत्पन्न करूंगा। तब जब ये कलवरी पर हो गया, जब परमेश्वर स्वयं स्त्री के द्वारा नीचे आया, कुंवारी से जन्मा। मैं वहाँ कैसे व्यवहार करना चाहूँगा, थोड़ा सा अदन में ध्यान दें। जब वे वाटिका से अपराध के कारण बाहर निकाले गए थे, सारी आशीष हटा दी गई अपराध के कारण। और आज रात्रि मैं सोचता हूँ, आज कलीसिया के साथ यही मामला है, सारी आशीषें हट गई हैं अपराध के कारण। आप इसी स्थान पर हैं, अदन वाटिका में से निकाल दिए गए। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, यहाँ आता है जब केन और हाबिल आदम और हवा के दो पुत्र भेंट चढ़ाने के लिए आगे आते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि महान सराप द्वार के पूर्व की ओर था और वो तलवार आगे पीछे घूम रही थी उस द्वार की, जो अदन में घुसने का या रक्षा कर रही थी। ध्यान दें, आग, पवित्र आत्मा की आग द्वार की रक्षा कर रही थी। और आज वही द्वार की रक्षा करती है। यदि आप पवित्र आत्मा और आग से डरते हैं तो आप कभी अंदर नहीं जा सकते। God is the consuming fire.
Watching that tree, God in that tree, alive. अग्नि में परमेश्वर की तलवार, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उस वृक्ष की रक्षा कर रही है, उस जीवन के वृक्ष की रक्षा कर रही है। And I noticed, then, this is a beautiful picture. Oh, my. और अब ध्यान दें, अब ये एक सुंदर चित्र है, ओ प्रभु। I can see Adam or Cain and Abel others calling out or going out to make a sacrifice. मैं आदम को देख सकता हूँ या केन को, बल्कि हाबिल को, अब परिश्रम कर रहा है या एक बलिदान तैयार कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने अपनी वेदी द्वार पर बनाई, सिंहासन पर, जहाँ वे आराधना कर सकें। Doing everything he could to get the very biggest apples or the very biggest pumpkins or whatever he had, brought it up to the gate. ध्यान दें, यहाँ केन आता है, संभवतः उसने पूरे वर्ष परिश्रम किया, सब कुछ किया ताकि वो सबसे बड़ा सेब पा सके या सबसे बड़ा कद्दू या उसके पास जो कुछ भी था उस द्वार पर लेकर आया। अपने लिए वहाँ द्वार के पास वेदी बनाई परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने सारे फल रखे और बड़ी कुमुदनी और हर चीज, और वेदी पर उन्हें सही प्रकार से रखा और तब घुटने टेक कर और परमेश्वर को दंडवत किया। अब मैं चाहता हूँ कि आप, मैं आशा करता हूँ कि ये अंदर तक चला जाएगा जैसे कि पहले कभी नहीं, जब तक आप इसे समझ ना लें। देखा, यदि परमेश्वर आपसे केवल ये चाहता है कि आप आराधनालय जाएं, तो केन भी वैसा ही धर्मी है जैसे कि हाबिल। केन ने प्रभु के लिए वेदी बनाई। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं केवल इतना ही नहीं करता हूँ, परंतु मैं बलिदान चढ़ाता हूँ, मैं विदेश मिशन के लिए पैसा देता हूँ, और मैं वे बातें ठीक हैं, वो ठीक है, परंतु परमेश्वर कुछ अधिक चाहता है। केन ने ये स्वयं किया, समझे? वो एक बलिदान लाया, उसने प्रभु की आराधना की। उसने घुटने टेक कर और प्रभु को महिमा की भेंट चढ़ाई और कहा, प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, और मैं तेरे लिए एक भेंट लाया हूँ, मैंने एक वेदी बनाई है। आमीन। बहुत से शब्दों में मैं एक आराधनालय का सदस्य हूँ। क्या इससे नीचे चोट लगी? देखिए, मैं आराधनालय का एक सदस्य हूँ, मैं तुझ में विश्वास करता हूँ। अब ये नीचे गहराई में चला जाएगा, इसे वास्तव में अंदर बैठ जाने दें। मैं परमेश्वर में एक विश्वासी हूँ, मैंने एक वेदी बनाई है, मैं एक बलिदान लाया, और प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। Right? और परमेश्वर ने अपनी पीठ फेर ली, ठीक है। और ईस्टर की सुबह
जैसे कि इस नगर के पास्टर ने कहा, आप जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, प्रचारक ईस्टर के प्रातः। मैंने कहा क्या? कहा मैंने आप लोगों को बताया, मैंने उन्हें बड़ा दिन मुबारक किया। कहा क्यों? कहा मैं इन्हें अब अगले ईस्टर तक नहीं देखूंगा। हर कोई ईस्टर पर आता है, बस नई टोपी और कपड़े खरीदते हैं, और इसका मसीह से क्या लेना देना। और लाखों डॉलर इस वर्ष खर्च कर दिए गए होंगे। कल प्रोटेस्टेंट क्षेत्र में कुमुदनियों और बड़ी सुंदर लिलियां हर सदस्य पास आकर और उसे वेदी पर रखेगा। परमेश्वर वेदी पर की लिली के विषय में चिंता नहीं करता, वो आपको वेदी पर चाहता है। ये लिली नहीं है, ये आपका बलिदान नहीं है, आपको वेदी पर होना चाहिए, ये अंतर है। वेदी पर वो रखिए जो परमेश्वर को चाहिए, वो आप हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कैसे वो वंश जो शैतान केन में था, और ध्यान दें कि वही अब इससे आपको अच्छा अनुभव होना चाहिए, आप में से कुछ जो परदेशी और दूर के लोग हैं। और हमें हो सकता है कहना ही है, अच्छा मेरी इच्छा है कि हम इसे अपनी कलीसिया में कर सकेंगे, और वो कि संतुष्ट हो जाएं। हालेलुया। मैं बल्कि पुराने छोटे कमरे में आराधना करूंगा, कहीं पीछे गली में, और उसमें परमेश्वर हो बजाय बड़े आराधनालय के जहां परमेश्वर ना हो। ये सही बात है निश्चय ही। वहाँ वो एक निर्धन मनुष्य था, ध्यान दें, तब वो अपनी भेंट लाया, केन लाया और उस पर रख दिया। अब ध्यान दें, वो शैतान के वंश से आया क्योंकि उसने परमेश्वर से आशा की कि वो इसे ग्रहण करे, क्योंकि ये सुंदर फल था कुछ जो उसने स्वयं किया। और बहुत से लोग कहते हैं मैं उस विशेष भिन्न व्यवस्था से हूँ, और मैं रेड क्रॉस को देता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं कलीसियाओं को दान देता हूँ। भाई ब्रणम, उस विषय में क्या है, ये सब ठीक है, परंतु जब तक मनुष्य नया जन्म ना ले, वो किसी भी तरह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस पर ध्यान दें, वो भले कार्य अच्छे हैं, परंतु ये अब भी परमेश्वर के द्वारा दिखाया गया मार्ग नहीं है। केन अपनी विधि से आया, आज रात बहुत से अपने ही तरीके से आ रहे हैं। Your reasons are not eligible.
आप इस पर तर्क वितर्क भी नहीं कर सकते, क्यों तर्क कर ही नहीं सकते, आपके तर्क वैध नहीं हैं, आप तर्क करने के लिए योग्यता नहीं रखते। यदि आप तर्क कर सकते होते तो ये फिर विश्वास का नहीं होता, आपको ये विश्वास के द्वारा चढ़ाना है। अब आप कहते हैं भाई ब्रणम आपका अर्थ ये है कि मुझे वहाँ जाना है और पवित्र आत्मा से भर जाना है और बाकियों के समान चलना है। यदि आप उन बाकियों के साथ होने की आशा करते हैं तो आप करें, बस जी हाँ श्रीमान यही है। आप ले सकते हैं, नामान के साथ यही बात थी, परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को बताया, उसे बता जाकर और 7 बार गोते लगा। उसने कहा क्या ये पानी साफ और अच्छा नहीं, परंतु ये वो यर्दन का पानी था। कभी कभी बहुत खराब प्रतीत होता है, परंतु मेरी इच्छा है कि आज रात्रि यहाँ प्रत्येक कलवरी की ओर देखेगा और 1900 वर्षों पहले परमेश्वर ने इसका क्या दाम चुकाया और अपने हाथ उठाकर कहता है मैं प्रभु के थोड़े से ठुकराए हुए लोगों के साथ अपना मार्ग लूंगा। आप कहते हैं मुझे उन लोगों के साथ सम्मिलित होना है, वो भाई थॉम या उनमें से कुछ जो पवित्र शोर मचाने वाले। भाई लगभग 3 बार मैंने संसार का चक्कर लगाया है और मैंने अभी तक पवित्र शोर मचाने वाला नहीं देखा। नहीं श्रीमान, मैंने पवित्रता ही देखी है परंतु पवित्र शोर मचाने वाले नहीं। शैतान ने ये नाम कलीसिया को दिया है। परमेश्वर ने कहा बिना पवित्रता के कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं देखेगा। आप स्वयं को इसके अनुसार बना सकते हैं, ये परमेश्वर का मार्ग है। आप कहते हैं लोग जो चीखते चिल्लाते और करते जाते हैं, भाई यही वो है। क्यों आप कहते हैं वो मुझे पागल प्रतीत होते हैं, यही कारण है कि आपको नया जन्म लेना है। जब आप नया जन्म लेते हैं तो फिर ये पागलपन नहीं होगा, आप हमारे साथ होंगे। वे वैसे ही सोचेंगे जैसा आपने एक बार सोचा था, ये ठीक बात है। उन्होंने वैसा ही सोचा जैसे आपने सोचा था जब तक वे स्वयं उसे ना पा लें। ये एक बदलाव है, एक वार्तालाप, मत परिवर्तन का अर्थ है किसी चीज का बदल जाना। जब तक कि एक मनुष्य स्वयं से ना मर जाए और कहे प्रभु मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, बस मुझे अंदर ले लें, आमीन, तब परमेश्वर ये करेगा, समझे। अब केन ने कहा मैंने ये सब कुछ रख दिया है, परमेश्वर ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने सब सुंदर बनाया और हो सकता है आप सोचें अच्छा मैं प्रभात की सभा में जा रहा हूँ, मुझे नई टोपी लेनी है।
एक बार एक लड़की मेरी सभा में गाने वाली थी और उसने कहा, भाई ब्रणम, उसकी माँ कपड़े धोया करती थी कि जीवन यापन करे और उसे सर में लगाने का क्लिप चाहिए था। आप समझते हैं ये हाथ नख प्रसाधन मैनिक्योर क्या है ये, या आप उस चीज को क्या कहते हैं जो चीज उसके बालों में है? मैं जानता हूँ कि ये गलत है, मैं उस चीज का नाम नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं इसके विषय में अधिक नहीं जानता हूँ। टोनी, इसमें परमानेंट वो यही था। और वो उसके बालों में होना ही चाहिए इसके पहले कि वो गायन मंडली में गाना गाए और उसकी निर्धन बूढ़ी माँ जीविका के लिए कपड़े धोती है। जब वो गई और अपना परमानेंट लिया और मैंने कहा मैं उसे नहीं गाने दूंगा क्योंकि वो गाने के लिए उपयुक्त नहीं थी, जब उसने उसके साथ ये किया, ठीक बात है। प्रचार मंच को शुद्ध रखने के लिए जो भी है परमेश्वर हमारी सहायता करे, और आज संसार के साथ यही मामला है उनके। सुनिए भाई, मैं पुराने रिवाज के सासा फराज के पेड़ के अनुभव में विश्वास करता हूँ। वहाँ पीछे झाड़ियों में जहाँ आप कड़वाहट की सारी जड़ें खोद देते हैं और उसे जमीन पर झाड़ देते हैं, ये ठीक बात है, बीज बोएं। अब ध्यान दें, केन, उसने सोचा सुंदरता। वे सोचते हैं अच्छा हमारा आराधनालय, हम एक नया आराधनालय बनाएंगे, ये ठीक है। हर चीज सुंदरता की है, ये ठीक है यदि आप प्रभु यीशु का साथ लेते हैं। तब यदि आप उसे पहले लेंगे तो बाकी चीजों की वो चिंता कर लेगा। किसी ने कहा, भाई ब्रणम, क्या आप विश्वास करते हैं कि इस लड़की को वेदी पर आना चाहिए, ऐसी दिखाई पड़ रही है? मैंने कहा, भाई ये वसंत का समय है, सारे वे झाड़ियाँ बांझ वृक्ष उनमें से प्रत्येक पर पत्तियाँ निकल रही हैं, उनका अंतिम पतझड़ हो गया। परंतु हमें जाकर पत्तियाँ नहीं बीननी है कि नई पत्तियाँ आए, केवल नए जीवन को आने दें और पुरानी पत्तियाँ गिर जाएंगी, ये ठीक बात है, आमीन। सुनिए, मैं ये भी कह दूं, यदि पुरानी पत्ती न गिरे तो वो ये दर्शाता है कि नया जीवन नहीं आया। अब मेरे पर गुस्सा ना हो, मैं यीशु के विषय में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यही है, ठीक है। देखिए हमारे स्वर्गीय पिता को क्या मूल्य भरना पड़ा, देखिए अब उसने क्या किया। और केन ने आकर और अपनी भेंट चढ़ाई, उसने आराधना की, वो आराधनालय गया, वो उतना ही अच्छा था जैसा कोई और व्यक्ति। ऐसा वैसा ही था। ऐसा अपने चाल चलन में याकूब से एक अच्छा व्यक्ति था,
एक अधिक सज्जन पुरुष उसने अपने पिता से प्रेम किया और वो चीजें जो उसने की, परंतु परमेश्वर ने याकूब को चुना। ध्यान दें, अब जब हाबिल अपनी भेंट चढ़ाने आया, देखिए जब हाबिल आया तो ये बहुत ही भिन्न था। यहाँ हाबिल आता है, उसने कार्य नहीं किया, उसने नगर का सबसे बड़ा आराधना खोजने का यत्न नहीं किया कि वहाँ जाए, उसने संबंध बनाने के लिए अच्छे लोग नहीं ढूंढे। आमीन। उसने केवल वही दिया जो उसके पास था और आ गया। बस यही है कि वो चरवाहा था। इसलिए उसने जाकर एक मेमना लिया और बांधा। मैं समझता हूँ कि उन दिनों में उसके पास कोई रस्सी ना थी, इसलिए उसने अंगूर की बेल ली होगी और उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटी होगी। परंतु ये किसको दर्शाता है? वे उसे कलवरी पर ले गए, वो मेमना था। कहा कि वो क्यों चरनी में जन्मा? देखिए, मेमने घरों में जन्म नहीं लेते, वे भूसे खलियानों में जन्मते हैं। और वे मेमने के समान कसाई घर ले गए और वे उसे दूर ले गए, कलवरी पर ले गए। वो परमेश्वर का मेमना था, आमीन, इस सृष्टि के रचने से पहले। जब मैं इस विषय में सोचता हूँ कि वहाँ हाबिल का छोटा मेमना आता है, यहाँ परमेश्वर का मेमना आता है। जब मैं इस विषय में सोचता हूँ तो मेरा हृदय उलट पुलट हो जाता है। जब मैं सोचता हूँ कि मैं एक निर्धन, अयोग्य, अभक्ति, पापी इस संसार में बिना परमेश्वर के मर रहा था, बिना आशा के, और ठीक समय पर मसीह मेरे बदले मरा, सुंदर और ठुकराया और अस्वीकार किया हुआ, ताकि मैं उसकी दृष्टि में ग्रहण किया जा सकूं मेरे बदले में। मैं इसे सहन नहीं कर सकता, मैं कल्पना नहीं कर सकता उसने कैसे ये सब मेरे लिए किया, मैं कौन था? तब आप कहते हैं क्या ये उसने आपके लिए किया? हाँ। एक दिन पवित्र आत्मा ने आकर मुझे खोजा और कहा, ये उसने तेरे लिए किया, और मैंने उसका विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, जी हाँ श्रीमान, मैंने इसे स्वीकार किया और पाया कि ये ऐसा ही था। इसे कोई मतलब नहीं कि लोगों ने क्या कहा, वे कट्टरपंथी थे या वे जो भी थे, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और मैं और उसने जो कहा वही किया। मैं छोटे हाबिल को देख सकता हूँ, अब ध्यान दें, ओ प्रभु, मैं देख सकता हूँ कि हाबिल जाता है और एक अंगूर की बेल लाता है और जाकर एक नर मेमना उसकी माँ का पहलौटा इस बेल को उसके गले में बांधता है
और उसे घसीटता हुआ ला रहा है। उसमें कोई सुंदरता नहीं, क्या है वहाँ खींच कर ला रहा है। तब उसे एक बड़ी चट्टान पर ले गया और उसे पूर्व के फाटक की ओर लिटा दिया। अब ध्यान दें, संभवतः केन ने पूरे वर्ष परिश्रम किया ताकि अच्छी फसल उगाए, जो वो कर सकता था, सोचा कि वो इससे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। और बहुत से लोग कहते हैं, मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, मैं धूम्रपान करना छोड़ दूंगा, मैं अच्छे लोगों के साथ हो लूंगा, मैं किसी अच्छे समाज में हो लूंगा। ये है, परमेश्वर आपके नए बदलाव के विषय में चिंता नहीं करता, वो चाहता है कि आपका हृदय मसीह की ओर फिरे और वो आपको बनाए। ना कि आप क्या कर सकते हैं, हम भले कार्यों से नहीं बचे, परंतु उसके अनुग्रह से हम खरीदे गए हैं। काम उसे नहीं कि कोई मनुष्य बढ़ाई मारे। क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, क्योंकि मैं क्या हूँ वो नहीं, मैं क्या करता हूँ वो नहीं, मैं स्वयं से, ये मसीह जो परमेश्वर में है उसने मेरे और आपके लिए किया है। ध्यान दें, सुंदर प्रतीक, वो यहाँ छोटे मेमने को घसीटता और खींचता हुआ लाता है। मैं कल्पना कर सकता हूँ, वो छोटा सा गिर रहा है, शायद नहीं जानता कि पास में क्या है, उसके छोटे पैर घसीट रहे हैं। मसीह का सिद्ध प्रतीक क्रूस को घसीट रहा है, परमेश्वर का मेमना यरूशलेम में से आ रहा है, निर्बल गिर रहा है। यहाँ वो छोटा सा चिल्लाता हुआ आ रहा है। और जब वो उसे महान चट्टान पर ले गया, उसे चट्टान पर रख दिया और धार वाले पत्थर को लिया। मैं नहीं जानता, अनुमान है कि उन दोनों में उनके पास चाकू नहीं होंगे, इस प्रकार से लिटा दिया, उसके सिर के पीछे से लिया और इस प्रकार से खींचा, चाकू लिया यानी पत्थर, और उसके छोटे से गले को काटना आरंभ किया और पत्थर उसकी गर्दन से होकर पार होने लगा। उस चट्टान पर मेमना मरा, लहू बह रहा है, फड़क रहा है, लहू बिखर रहा है, उसकी धमनियां कटी हुई हैं, चारों ओर लहू ही लहू, उसका सफेद ऊन लहू से लथपथ होकर लाल हो गया। परमेश्वर ने स्वर से देख कर कहा, यही है, अब आप समझे, यही विधि है। लहू उसकी धमनियों से तेजी से निकल रहा है, ये क्या था? परमेश्वर के पुत्र का
1900 वर्षों पहले यही चीज इसी दोपहर वो कैद में से ले जाया गया, वो न्याय के सिंहासन के सामने ले जाया गया और वहां से उपहास उड़ाने के स्थान में वहां से गुलगुलता तक पहाड़ पर खींच कर ले गए। क्षमा उन क्रेती क्रूस उठाने में उसकी सहायता कर रहा है युगों की चट्टान पर वो वहां मर गया, उसका अपना ही लहू उसमें से निकला, उसकी देह नंगी की गई। हालेलुया। उपहास उड़ाने वाले सिपाहियों के मुंह में जो ढेर सारा भरा हुआ था उसके मुंह पर थूक दिया और उसने कहा, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मैं अपने पिता से कहता तो वो मेरे पास स्वर्गदूतों की सेना भेजता, वो आकर मेरे लिए लड़ते, परंतु ये मेरा राज्य नहीं है, परंतु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो और ये यहाँ जल्द ही होगा। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी होगी, ओ प्रभु। जब रविवार को एक बार बिली ने कहा कि हर पेड़ पर स्वर्गदूत, कहा वो केवल अपना हाथ निकालकर अपनी उंगली से संकेत करता, केवल आपको इतना करना है, हम प्रश्न को यही तय कर देंगे। ओ क्या ये सत्य नहीं है? कैफा ने देखा और कहा, उसने दूसरों को बचाया, स्वयं को नहीं बचा सका, ये सबसे महान प्रशंसा थी जो कभी चुकाई गई। यदि वो स्वयं को बचा लेता तो वो औरों को नहीं बचा सकता था, इसलिए उसने अपना जीवन दिया ताकि वो दूसरों को बचा सके। हालेलुया, आमीन। हम भेड़ों के समान तितर बितर हो गए, परमेश्वर ने हमारे सारे अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। वो भेड़ के समान वध होने के लिए ले जाया गया और भेड़ के समान ले जाया गया जैसे वो अपने ऊन कतरने वाले के सामने शांत रहती है, उसने अपना मुंह नहीं खोला। तो भी हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आप ऐसे प्रेम को जिसका कोई मुकाबला नहीं कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? उसे देखते हुए जैसे वो ऊपर पहाड़ पर खिचड़ता हुआ जाता है, बेचारा मामूली निर्बल कमजोर देह बोझ के नीचे झुकी है। मैं कवि के विषय में सोचता हूँ, जब उस दिन वो वहाँ बैठा था उसने उसकी झलक ली और उसने लिखा, चट्टानों के बीच और अंधेरे आकाश के बीच समर्पित होते हुए मेरे बचाने वाले ने अपना सर झुकाया और मर गया, खुले हुए पर्दे ने मार्ग प्रकट किया, स्वर्ग के आनंद और अनंत दिन। Oh my, how could we ever, how could I reject such massive love? For
क्या ही बचाने वाला, ओ प्रभु हम कैसे कभी, मैं कैसे कभी ऐसे प्रेम को जिसका कोई मेल नहीं अस्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि वो जिसने मेरे और आपके लिए किया, आज रात्रि मेरे भाई बहन मैं विश्वास करता हूँ कि आप आएंगे, परमेश्वर जो परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग है, ये मार्ग आपके लिए है, केवल वही है जिसका आपसे कोई मतलब हो सकता है, वही है जिसने आपका स्थान लिया है, केवल वही एक है जो आज रात्रि खड़ा हुआ है, एक जीवित हो उठा बचाने वाला पिता के दाहिने हाथ पर खड़ा है। आज रात्रि आप देखिए कि हर पापी के लिए निवेदन और वकालत कर रहा है जो इस भवन में उसके पास आ रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप आएंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस ईस्टर को जाने नहीं देंगे। प्रिय मित्रों, हम मार्ग के अंत में हैं। मैं अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूँ हम मार्ग के अंत में हैं। May the Lord Jesus bless you. May He make you a new creature in Him tonight. It's my prayer. May He lead you. प्रभु यीशु आपको आशीषित करे, होने पाए कि वो आपको अपने में नई सृष्टि बनाए। आज रात्रि मेरी प्रार्थना है वो आपका मार्गदर्शन करे। One time there was an old blind man in the Bible by the name of Bartimaeus. एक बार बाइबल में बर्तमई नाम का एक मनुष्य था। Old blind Bartimaeus. He had two little doves, we're told by history. बूढ़ा अंधा बर्तमई जिसके पास दो छोटी छोटी पंडुकियां थीं, हमें इतिहास में बताया गया है कि ये छोटी पंडुकियां बाहर रख दी जाती और एक दूसरे पर कलाबाजी करती और लोग उन्हें देखते, वो अपना कटोरा पकड़ता और जब लोग वहां से निकलते हुए उन छोटी छोटी पंडुकियों को देखते जो छोटी छोटी कलाबाजी करती और वे उस अंधे भिखारी को सिक्का देते। वो विवाहित पुरुष था, उसके पास एक छोटी लड़की थी, उसने अपने जीवन में उस लड़की को कभी नहीं देखा था। वो लगभग 12 या 14 वर्ष की थी उस स्थिति में कि हम जब उस जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। और वो बैठा हुआ था, एक रात्रि कहा जाता है कि उसकी लड़की बीमार हो गई और वो प्रभु के पास गया और उसने कहा, प्रभु यदि तू मेरी इस छोटी लड़की को चंगा कर देगा तो मैं कल अपनी ये दोनों पंडुकियां तुझे बलिदान में चढ़ा दूंगा। इसलिए वे प्रभु ने उस छोटी लड़की को चंगा कर दिया और उसने दोनों पंडुकियां चढ़ा दी। कुछ समय पश्चात उसका, और पहली चीज जो आप जानते हैं, उसकी प्रिय पत्नी बीमार हो गई और उसने सोचा कि वो उन्होंने सोचा कि वो मरने जा रही है। इसलिए वो प्रभु के पास रात्रि में गया, अपने घर की दीवार को टटोलते हुए उसने अपने घुटने खेत में टेके और कहा, परमेश्वर यदि तू मेरी पत्नी के जीवन को रहने दे तो मैं अपना मेमना तुझे बलिदान में चढ़ा दूंगा। आज आप देखते हैं अंधे मनुष्य कुत्ते के द्वारा अपना मार्गदर्शन पाते हैं, वे उन कुत्तों को
उनकी अगुवाई के लिए प्रशिक्षित करते हैं। उन दिनों में वे भेड़ को लोगों की अगुवाई के लिए प्रशिक्षित करते थे और इसलिए उसके पास इधर उधर आसपास के लिए एक मेमना था। और उसने कहा, प्रभु यदि तू मेरी पत्नी को चंगा कर दे तो कल मैं तुझे अपना मेमना बलिदान में चढ़ा दूंगा। और उसकी पत्नी चंगी हो गई। और अगले दिन वो मंदिर जा रहा था और महायाजक कैफा जो वहाँ खड़ा था उसने कहा, अंधे बर्तिमाई तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं मंदिर को जा रहा हूँ ओ महायाजक, ताकि अपना मेमना बलिदान करूँ। मैंने प्रभु से प्रतिज्ञा की थी, यदि तू मेरी पत्नी को चंगा कर देगा तो मैं अपना मेमना दे दूंगा। उसने कहा, बर्तिमाई तुम उस मेमने को नहीं दे सकते क्योंकि वो मेमना तुम्हारी आँख है। कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और तुम मंदिर में बेचने वालों से एक मेमना खरीद लो। परंतु बर्तिमाई ने कहा, ओ महायाजक, मैंने परमेश्वर से मेमने के लिए नहीं कहा परंतु इस मेमने के लिए कहा है। ओ प्रभु, मुझे आश्चर्य है यदि आपने ऐसी प्रतिज्ञा की है। यदि आप आज रात्रि उस सर्वोच्च मेमने को देखते हैं, सोचिए। प्रभु यदि आप मुझे चंगा कर दें, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं सब वो करूंगा जो मैं कर सकता हूं यदि आप मेरे बालक को जीवित रखें। या जब आप खड़े होते हैं और आपकी माँ कब्र में जा रही है या आपके पिता या आपका कोई प्रिय, ओ परमेश्वर मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनसे फिर मिलूंगा। मुझे आश्चर्य है यदि वास्तव में आपका यही अर्थ है। मुझे आश्चर्य है यदि ये ईस्टर जो आ रहा है बिना आपकी प्रतिज्ञा पूरी करे जा रहा है जो आपने प्रतिज्ञा की है। उसने जाकर अपना मेमना चढ़ाया, वापस आया, कोई इसकी अगुवाई कर रहा है। इसलिए उसने तब कहा, जब वो वापस आया और कहा, बर्तिमाई तुम ये नहीं कर सकते। वो याजक जो उसके मेमने को लेने गया उसने कहा, तुम इसे नहीं ले सकते, तुम इस मेमने को बलिदान नहीं कर सकते। कहा कि अंधे बर्तिमाई तुम जानते हो कि ये मेमना तुम्हारी आंखें हैं। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ परंतु मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है और परमेश्वर अंधे बर्तिमाई के लिए मेमना देगा आंखें। इसके बाद अधिक समय नहीं हुआ, एक दिन वह ठंड में ठिठुर रहा था, उन्होंने एक शोर सुना, परमेश्वर ने अंधे बर्तिमाई के लिए एक मेमना दे दिया आंखें। वो सड़क पर आया, उसने कहा, ये शोर क्या है? अक्सर वो जहाँ होता था वहाँ शोर होता था। कहा, ये शोर कैसा है? उसने कहा, एक यीशु नासरी निकल रहा है।
उसने अपना लबादा फेंक दिया, नहीं देखा कि वो कहाँ गया। तब उसने चिंता नहीं की, परमेश्वर ने एक मेमना दिया। वो सीधा मेमने के समीप पहुंचा। उसने कहा, ओ यीशु, तू दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कर, दया कर। धनी लोग जो वहाँ आसपास खड़े थे कि भविष्यद्वक्ता के समीप आए राजा के, उसने कहा, ओ शांत रह, वो तेरी नहीं सुन सकता। वो और जोर से चिल्लाया। उनमें से कुछ लोगों ने कहा, आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, उन दिनों जैसी अब कोई बात नहीं है। वो जोर से चिल्लाया, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। परमेश्वर के द्वारा दिया गया मेमना, वही मेमना जो अंधे बर्तमई के लिए दिया गया, उसकी आँखों के लिए, वही उसने आपके लिए भी दिया है, जब वो वहाँ गुलगुता पहाड़ पर चढ़ा और स्वयं को बलिदान किया घायल और चोटों के साथ। मित्र सुनिए, स्मरण रखें, हाबिल अपने रेवड़ में गया और मेमना लिया और उसे बलिदान के स्थान पर चढ़ाया। और अच्छा हो कि इसे समझें, हाबिल उसी चट्टान पर मरा जिस पर उसका मेमना मरा। क्या आज रात्रि आप स्वयं से मरना चाहते हैं? क्या आप अपने विचारों से मरना चाहते हैं? केवल स्वयं को अपने उस मेमने के साथ उस चट्टान पर डाल दें और मर जाएं। कहें, ओ परमेश्वर, दया कर। जब मैं घमंडी पुरुष और महिलाओं के लिए सोचता हूँ, युवा पुरुष और महिलाएं जो इन बातों पर अपना जीवन देंगे, और बूढ़ा पुरुष भी अपने पेशे के लिए सोचता है और अपने सम्मान के लिए और अपने पड़ोस के लिए या कुछ इसी प्रकार से। तो फिर आज रात्रि सामने कैलवरी पर क्यों नहीं आ जाते? हालेलुया, अपने जीवन को काट दो और सामने उसके साथ क्रूस पर मर जाओ। अपने हाथों को युगों की चट्टान पर डाल दो, मेरी दरार, मुझे उसमें छिप जाने दो। जब पास में पुराना पानी हिलकोरे मारे वो चढ़े, जब तूफान ऊंचा चढ़ा हुआ हो मुझे छिपा ले, ओ मेरे बचाने वाले, मुझे छिपा ले। संसार जो चाहे करे, धर्म ज्ञानी जो चाहे वे करें। मुझे उनका धर्म ज्ञान नहीं चाहिए, मैं केवल यीशु मसीह को अपने हृदय में चाहता हूँ। मुझे अपने मेमने के साथ मर जाने दो। मैं जानता हूँ ये उस रात्रि कितना कठिन है जब मैं भीतर जाता हूँ। छोटा बूढ़ा काला मिशनरी वहाँ है और सारे श्वेत लोग वहाँ आसपास खड़े हैं। कहा कि वो उन कालों के साथ जाता है, ये कठिन था। मैं अपने कैंटकी के सारे घमंड के साथ वहाँ गया इस प्रकार से, परंतु परमेश्वर ने कहा, यदि तुम ये चाहते हो तो सीधे वहाँ चले जाओ। Now, well,
और मैं सीधा वहां गया और वेदी पर घुटने टेक दिए। मैं वहां तब तक रहा जब तक कि मेमना, मैं अपने पुराने पन से विल ब्रनम से 20 वर्ष पहले मर गया। हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया तो भी मैं जीवित हूँ, मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। किसी दिन उस महिमामय पुनरुत्थान में जब वो आता है, हो सकता है मेरी देह नीचे चिकनी मिट्टी में हो, परंतु जब वो ये करता है आप देखेंगे कि घास हट गई और मैं उसकी महान महिमा में समानता में आ गया आसपास और बहुत सारे। हालेलुया, क्योंकि मैं उसको उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से प्रत्येक जो आज रात्रि करता है सामने गुलगुता पर चलता हुआ आता है आज रात्रि। हम एक छोटी सी यात्रा करें, जबकि आप हमें स्वर देते हैं बहन, यदि आप मेरे परमेश्वर के पास तेरे पास। जबकि हम आप कहते हैं कि ये अंत्येष्टि है। हाँ भाई, यदि अंत्येष्टि का कोई समय है जिसकी हमें आवश्यकता है तो वो अब है जब मनुष्य अपने आप में और घमंड से मर जाता है। अब हम शांति से अपने सिरों को झुकाएं जबकि वो स्वर दे रही हैं, यदि ये ठीक है। ओ परमेश्वर, ओ जब मैं सोचता हूँ वहाँ क्या हुआ, ओ ये सोचकर मेरी हड्डियाँ कांपने लगती हैं। मेमने को देखते हुए जब मैं ये सोचता हूँ, जब वे उसे घायल कर चुके, जी हाँ, और उसके सिर पर कांटों का ताज रखा और उसे नीचे की ओर दबाया, सिपाहियों ने उसके मुंह पर थूका और कहा तू राजा अब इस विषय में कुछ कर। वो भविष्यद्वक्ताओं का भविष्यद्वक्ता था, उन्होंने उसके मुंह पर कपड़ा लपेटा और उसके सर पर सरकंडा मारा, कहा अब भविष्यवाणी कर, बता किसने तुझे मारा। परंतु भविष्यद्वक्ता ने कहा उसने अपना मुंह नहीं खोला, वो ये बता चुका। उसके हाथ पीछे की ओर बांध दिए, बड़े कोड़े के साथ खड़े होकर उस पर कोड़े मारे जब तक कि उसकी पीठ पर से पसलियां ना दिखने लगी। उसकी एक तरफ से लहू बह रहा था और जमीन पर गिर रहा था। अब मैं उसे चलते हुए सुनता हूँ, उसकी चप्पलों में से लहू के कचरने की आवाज मैं सुनता हूँ। वो इमैनुएल था, वो परमेश्वर था, परमेश्वर का लहू। मैं देखता हूँ कि उसे लेकर उसकी पीठ पर क्रूस लादा, वो पुरानी उबड़ खाबड़ कठोर क्रूस। और वो जाता है उस घायल पीठ पर रखे हुए उस मार्ग से, वो गया। शोरगुल वाली भीड़ उसका उपहास और उस पर हंस रही थी। ये भविष्य तकता जा रहा है, ये वो महान यीशु जाता है, ये वो महान दिव्य चंगा करता जाता है।
परंतु वो मेरा प्रभु है। ओ परमेश्वर, मैं मुझे उसके साथ चढ़ने दो। वो उस पहाड़ पर जाता है, मैं उस आधे कपड़े पहने युवतियों को देखता हूँ, आसपास घूमते हुए उपहास उड़ा रही हैं। उनके लड़के मित्र एक दूसरे के गले में हाथ डाले हैं, जैसे जैसे वे ऊपर पहाड़ पर जाते हैं। भाई वार्ड, ये अब तक कुछ अधिक नहीं बदला। मैं देखता हूँ कि कलीसिया के बड़े बड़े सदस्य कह रहे हैं, देखो ये वो व्यक्ति है जो कलीसिया को तोड़ने जा रहा था, हमारे पास्टर के विरोध में प्रचार किया, अब उसे देखो। परंतु भविष्यवक्ता ने कहा इसे ऐसा ही होना है, वो परमेश्वर का मेमना है। मैं देखता हूँ जैसे ही वो अपना सिर घुमाता है, थूक उसकी दाढ़ी पर से नीचे बह रहा है, उसकी आंखें स्वर्ग की ओर उठती हैं, कर रहता है और थोड़ा आगे बढ़ता है। प्रभु, विश्वास से अब मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ। मैं उसकी पीठ पर हाथ रखना चाहता हूँ, कहता हूँ प्रभु मैं यहाँ खड़ा होऊंगा, मुझे बता कि क्या करूँ, मैं ये करूँगा, मैं कैसे तेरी सराहना करूँ प्रभु। सामने पहाड़ पर जब उन्होंने इसे नीचे लिटा दिया, उसके बहुमूल्य हाथों को पीछे खींचा, वे हाथ जिन्होंने बुखार को रोका, वे हाथ जिन्होंने कहा उस बेचारी विधवा के लड़के से, जब उसने उसकी अर्थी को छुआ कि वो उसमें रखा हुआ था, वो जीवित हो गया। वो जिसने दोरकस को जीवित किया, वो जिसने यईर की पुत्री को जीवित किया, वो जिसने कहा लाजर बाहर आ, उन होठों से अब लहू बह रहा है, फटे हुए चिल्ला रहे हैं। जैसे ही वे बड़ी क्रूर कीलें उसके हाथों और पैरों में गईं, उन्होंने मेरे हाथों और पैरों को छेदा, इसके घटित होने के 700 वर्ष पहले भविष्यवक्ता ने कहा। ये क्या था? ये हाबिल का मेमना था। उन्होंने उसे भूमि पर गिराया और मांस फट गया, उसकी निर्बल देह कांप गई। कहा मैं प्यासा हूँ, उन्होंने उसे सिरका दिया। उन्होंने उसे गाली दी और उपहास उड़ाया, कहा तू अचरज के कार्य करने वाले, अब इसमें कुछ कर। परंतु तब ही आकाश काला पड़ने लगा, बिजली चमकने लगी, परमेश्वर अपने मुख को छिपा रहा था, वो और अधिक नहीं खड़ा हो सक रहा था। ओ परमेश्वर, पाप कितना निर्दयी है, कितना क्रूर जिसने उस मूल्यवान से ये करवाया। Even the
यहाँ तक कि उसने ऐसा मूल्य चुकाया कि परमेश्वर ने स्वयं अपना मुख छिपा लिया। स्वर्गदूतों ने अपना मुख ढांक लिया और घूम कर उसके साथ रोने लगे। चांद और सितारे आगे ना बढ़ सके, वे अधिक चमक ना सके। वही परमेश्वर जिसने उन्हें सिरजा क्रूस पर मर रहा था और उसने अपना सिर झुकाया इसके पहले उसने ये किया, उसने नीचे देखा कि लोग उसके कपड़ों के लिए दांव लगा रहे हैं। जो भविष्यद्वक्ता ने कहा पूरा हो गया, कहा पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। सब कुछ प्रेम में, आदम का मेमना, परमेश्वर का दिया हुआ मेमना, भूमि की उत्पत्ति से पहले घात किया गया। वहाँ वो मित्र रहित स्वयं परमेश्वर का त्यागा हुआ मरा, परमेश्वर और तब उसका अपना पिता उसे छोड़ गया। लहू बह रहा है, तब भी हम हंसते हुए उल्लास के साथ घूमते हैं कि जैसे कुछ नहीं हुआ। ओ परमेश्वर, ये वो लहू था जब वहाँ चिकित्सालय में डॉक्टर ने कहा ये मर रहा है, ये वो लहू था जिसने मुझे चंगा किया। यहाँ एक पुराना पापी लड़का भागता फिरता था, ये वो लहू था जिसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। ये वो लहू था जिसने मुझे भ्रष्ट जगहों से निकाला जहां मैं जी रहा था और मुझे ठीक करके और मुझे अपना पुत्र बना लिया। ओ और मरते हुए मेमने, तेरा बहुमूल्य लहू, प्रभु मुझे क्रूस के पास रख। ये मेरा दर्शन है, यही सामने प्रेम है, परमेश्वर का महान हृदय नीचे उतर आया। और वे सब जो उसके पास आते हैं अस्वीकार नहीं किए जाएंगे, वे सब अनंत जीवन पाएंगे। वो जो मेरे पास आता है उसे कभी भी ना निकालूंगा। परमेश्वर होने पाए प्रत्येक जो आज रात्रि घर जाता है इस पर विचार करे, क्या ही बलिदान है, छड़ौती का क्या दाम चुकाया गया, परमेश्वर ने क्या भुगतान किया। हमें कुछ नहीं चुकाना पड़ा, परमेश्वर ने पुत्र का भुगतान किया, परमेश्वर ने महान भुगतान चुकाया, मसीह का जीवन भुगतान में दे दिया गया। वो शहरों का गुलाब था, परंतु गुलाब में से सुगंध निकालने के लिए आपको उसे कुचलना होगा। उसका सुंदर जीवन कुचला गया और
35 वर्षीय एक नवयुवक जिसमें हम हो सकते हैं। मेरे परमेश्वर तेरे और समीप, मेरे समीप रहे प्रभु, मेरे समीप। और जीवन के समाप्त होने पर जब मैं अपने मार्ग के अंत में पहुंचूं प्रभु, होने पाए वो जो वहां मरा तब मेरे पास आए, यहां पर प्रत्येक ऐसा ही हो। प्रभु कल या परसों एक महिला जो इस कलीसिया में बैठती थी उसे गाढ़ा उपदेश सुनती थी। अब उसके विषय में आप सब कुछ जानते हैं, यदि वो आ चुकी तो वो बच गई, यदि वो नहीं तो वो नाश है। ओ परमेश्वर अनुग्रह करें। होने पाए प्रत्येक पुरुष और महिला जैसे कि ये आज रात इस भवन को छोड़कर अपने अपने घरों को जाते हैं, गंभीरता से सोचते हुए जाएं, मेरे हाथ में कुछ नहीं केवल आपकी क्रूस, और होने पाए कि प्रत्येक उस क्रूस पर मर जाए। प्रभु जबकि मैं आज रात्रि इस सीमेंट के बने इस छोटे प्रचार मंच पर हूँ, मैं आपके लिए अपने जीवन को पवित्र करता हूँ। जो भी आपने मेरे लिए किया मैं धन्यवाद करता हूँ और स्वयं को फिर से पवित्र करता हूँ आपके क्रूस की इस स्मृति में, इस रात्रि में आपके लिए। प्रभु मुझे लें, मुझे क्षमा करें, मेरी सारी गलतियां और परेशानियां मुझे मजबूत और सामर्थी बना प्रभु परमेश्वर के आत्मा में, ताकि मैं आपके लिए प्राणों को जीत सकूं। और इस भक्त मंडली को आशीषित करें क्योंकि हम उसके नाम में मांगते हैं, हर पापी को क्षमा करें, पिछड़े हुओं को फिर से ले लें। जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं और प्रत्येक पापी पुरुष और महिला जो यहाँ पर है, छोटे लड़के और लड़कियाँ, आप सब पीछे आप जो युवा हैं, आपसे कठोरता से बोला उस रात्रि, मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर आपके हृदयों को आशीषित करे। आप सोच सकते हैं कि भाई ब्रैनम कठोर थे, परंतु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जहाँ से आपने आरंभ किया है मैंने तय कर दिया है, मैं जानता हूँ कि ये क्या है। इसी कारण मैंने कहा कि देखिए, यदि आप हमारे प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, ये मेरे लिए पवित्रताई का समय होगा। आप में से कुछ माताएं, पिता, बूढ़े लोग इस समय को पवित्रताई के लिए रखें। इसी समय क्या आप अपने हृदय में स्वीकार करें, उस पर
अपने पूरे प्राण से विश्वास करें। अब जबकि हमारे सिर झुके हुए हैं, क्या कोई चाहेगा कि उसे प्रार्थना में स्मरण किया जाए? यदि आप चाहते हैं तो हाथ उठाएं, कहें, भाई ब्रणम मुझे स्मरण रखें, मैं परमेश्वर के समीप आना चाहता हूं। ठीक है, दर्जनों हाथ हैं। पिता इन सबको स्मरण रखें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे प्रदान करेंगे, इनके पास शांति होगी। जबकि आंसू हमारे गालों पर से नीचे लुढ़क रहे हैं और यहाँ मेरे साथ प्रचार मंच पर टपक रहे हैं, उनमें से कुछ रुमालों के साथ, उनमें से कुछ बड़े गठे हुए दिखने वाले, यहाँ जो कठोर मनुष्य यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, आंसू उनके चेहरे पर से बह रहे हैं, झुर्रीदार गालों पर से। प्रभु हमें स्वीकार करें, इस दिव्य उपस्थिति में हम में से प्रत्येक को क्षमा करें। प्रिय परमेश्वर, आज रात्रि प्रभु हमें क्षमा करें, युवा और बूढ़े होने पाए कि हम उस दिन बचे हुए हों और तेरे राज्य में ले लिए जाएं, क्योंकि ये उसके नाम में मांगते हैं। आमीन। अब शांति से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अब केवल अपने सिरों को झुका कर रखें। परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु आकर इन हृदयों को आशीषित कर। क्या आदर भाव से बिना किसी के कुछ भी बोले, अब बिना एक शब्द कहे इस भवन को शांति के साथ छोड़ दें और अपने घरों को चले जाएं। केवल घूमकर और अपने घरों को चले जाएं, बिना कोई शब्द बोले घूमकर और बाहर चले जाएं। परमेश्वर आपके साथ हो।
सब भेड़ों के नए चित्र बित्तर हो गए थे और प्रभु ने हमारे सारे अधर्म को उस पर लाद दिया। शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा।